शीघ्र पतन या प्री मेच्योर इजैक्युलेशन की समस्या काफ़ी पुरुषों को परेशान करती है, जिसकी वजह से उनको शारीरिक और मानसिक तनाव से जूझना पड़ता है। एक स्टडी में ये भी पता चला है कि 30% पुरुष इस समस्या से जूझ रहे हैं, और इस स्टडी का मैं लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके पढ़ लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि योग का अभ्यास करने से कैसे हमारी जो ये यौन दुर्बलता है, जो शीघ्र पतन की समस्या है, उसमें कैसे मदद मिल सकती है। तो देखिए, अगर आप निरंतर योग का अभ्यास करते हैं तो इससे आपका शारीरिक और मानसिक तनाव कम होता है, और शरीर का आपके मन के साथ जो तालमेल है वो अच्छा होता है, समन्वय स्थापित होता है, जिससे कि जैसे जैसे आपका शारीरिक और मानसिक तनाव कम होता जाएगा, उससे जो आपकी जो ये यौन दुर्बलता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। दूसरा, आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने से आप बेहतर महसूस करते हैं। इसके अलावा जब आप निरंतर योग का अभ्यास करते हैं तो हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस जो है वो नियंत्रित होता है, वो बैलेंस होता है, आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, आपका मूड जो है अपलिफ्ट होता है, शरीर में हैप्पी हॉर्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, जो कि आपकी यौन दुर्बलता जो है उसको ठीक करने में मदद करते हैं। इन अभ्यासों से शरीर में जो भी अकड़न जकड़न होती है वो दूर होती है, शरीर और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, आपके पेल्विक फ्लोर की रीजन की जो मसल्स हैं उनमें मजबूती आती है और वो और लचीली होती है, तो पेल्विक फ्लोर जो मसल्स हैं उनकी भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है। इन अभ्यासों को अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो इससे आपका खुद के साथ तो जो तालमेल है, जो दोस्ती है, अच्छी होगी ही होगी, साथ ही आपका आपके पार्टनर के साथ भी जो तालमेल है वो अच्छा होगा, और आप अपने पार्टनर के साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाती हूँ कुछ चुनिंदा ऐसे योग आसनों का अभ्यास जो आपकी यौन क्षमता को बढ़ाएंगे और शीघ्र पतन की जो समस्या से आप परेशान हैं उससे भी उभरने में आपको मदद करेंगे। लेकिन आपको करना क्या है कि ये वीडियो में बताए हुए जो आसन का अभ्यास मैं आपको बता रही हूँ उनको इसी सीक्वेंस में अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि मैंने इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि एक आसन का जो इफेक्ट है दूसरे आसन को काउंटर करते हुए हो, तो आप इसी सीक्वेंस में अभ्यास कीजिएगा। इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और कोई भी जानकारी मिस मत कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा, और नीचे घंटी का जो निशान दिख रहा है उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आप मेरी कोई भी वीडियोज़ मिस ना किया करें। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो चलिए सिखाती हूँ मैं आपको इन सारे योगासनों का अभ्यास। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने पैरों को खोल लेंगे, बॉडी के सामने स्ट्रेच करेंगे, दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखेंगे और पैरों को ऐसे सबसे पहले टैप करेंगे, जिससे कि पैर जो है वो रिलैक्स हो जाएं, इनमें कोई भी टेंशन है उनको दूर किया जा सके। इस तरीके से पैरों को झटकें, टैप करें, टैप करें, टैप करें। अब जैसे ही आप रुकेंगे तो आप महसूस करेंगे कि पैरों पर कैसे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हुआ है। अब दोनों पैर की एड़ी और अंगूठों को जोड़ने के बाद ऐसे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरा 360 डिग्री अपने पैर को ऐसे घुमाएंगे। 1, 2, 3। पूरी वीडियो अच्छी तरीके से देखिएगा तो आपको बहुत मजा आएगा। ये वीडियो आप प्ले करके आप अभ्यास को जारी रख सकते हैं ऐसे। अब दूसरी तरफ ऐसा 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 नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ये सारे अभ्यास करेंगे तो इससे पैर की सारी नस नाड़ियाँ जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से खिंच जाएगी और खुल जाएगी। अब क्या करें, अपने दोनों पैर के तलवों को इस तरीके से ऐसे जोड़ लें। ऐसे जोड़ने के बाद बद्ध कोण आसन का अभ्यास करेंगे। अपनी एड़ियों को बॉडी की तरफ ऐसे खींच लीजिए इस तरीके से, और अपने दोनों हाथ की उंगलियों को ऐसे फंसा के पैर को कर दीजिए लॉक, और फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड को सीधा कीजिए और घुटनों को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कम से कम इस अभ्यास को 30 सेकंड ज़रूर कर लिया कीजिए। 30 सेकंड या एक मिनट तक भी कर लेंगे ना तो यह अभ्यास आपके जननांगों की अच्छी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो बद्ध कोण आसन का अभ्यास हर रोज़ कीजिए, इससे लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी, पेल्विक फ्लोर मसल्स में जो है तो वो लचीलापन आएगा, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से। और फिर उसके बाद ब्रीदिंग अभी नॉर्मल रखेंगे, जहाँ पर ब्रीदिंग लेना और छोड़ना होगा वो मैं आपको गाइड करूँगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को इस तरीके से घुटने के ऊपर रखेंगे और स्लोली पुश करेंगे अपने हाथों को ऐसे घुटने के ऊपर फ्लोर की तरफ, अपने पैरों को होल्ड करके रखेंगे यहाँ पर।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. और फिर उसके बाद दोनों पैर के घुटनों को ऐसे जोड़ेंगे, हग कर लेंगे पैरों को और महसूस करेंगे कि क्या क्या बदलाव आप महसूस कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद आराम से अपनी योगा मैट पर ऐसे टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाएंगे, अभ्यास करेंगे मर्जरी आसन और बिटिल आसन। इस अभ्यास से आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी जो है, एक एक वर्टिब्रा जो है वो लचीली होगी और आपके जननांगों पर इसका बड़ा अच्छा इफेक्ट आने वाला है। सांस लें और सांस को छोड़ दें, सांस लें और सांस को ऐसे छोड़ दें, 2, 3, सांस लें और सांस को छोड़ दें, 4, ऐसा। बहुत झटका देके इसका अभ्यास नहीं करना है, जितना आराम से अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो पूरे पेट को पहले ढीला छोड़ें, जब आप छाती छत की तरफ देखें तो पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ें और फिर जब नाभि की तरफ देखें तो पेट को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करें, सांस लें और सांस को छोड़ें, ऐसा। तो ये अभ्यास कम से कम 10 बार या 30 सेकेंड ऐसा हर रोज़ कर लिया करें, ऐसा। फिर उसके बाद रिलीज़ कर दें। अब अगले अभ्यास को जो मैं बता रही हूँ ना, ये तो आपके पूरे के पूरे हिप जॉइंट्स के आसपास ऐसी मोबिलिटी इम्प्रूव करेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे, लेकिन इसका अभ्यास निरंतर करना है। तो क्या करें, ऐसे टेबल टॉप पोजीशन पे आके और फिर उसके बाद अंदर से बाहर की तरफ ऐसा सांस लें और सांस को छोड़ें, ऐसा छोड़ते हुए नीचे, सांस लें ओपन और सांस छोड़ें क्लोज, सांस लें और सांस को छोड़ें। तो पूरे हिप जॉइंट्स के आसपास की जो कड़ापन है वो दूर होने वाला है, ऐसा। 1, 2, 3, 4 and 5। जब इतना हो जाए अभ्यास एक तरफ, तो इसी अभ्यास को आपको करना है दूसरी तरफ, ऐसे टेबल टॉप पोजीशन पे आके अंदर से बाहर की तरफ सांस लें और सांस को छोड़ें, 2, 3, 4 and 5। अब उल्टा घुमाएं बाहर से अंदर की तरफ, 5, 4, 3, 2 and 1। वाह, मज़ा आ गया, पूरे कमर के आसपास जितना कड़ापन था वो सब दूर हो गया इतने अभ्यास से। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन जूम योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को मंडे टू फ्राइडे कंडक्ट किया जाता है। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को कोई भी ज्वाइन कर सकता है। अगर आप बिगनर हैं, ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं या कि आपको कोई हेल्थ कंडीशन है जैसे कि थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, पीसीओडी की समस्या, अत्यधिक मानसिक तनाव रहता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है या कि शरीर में ताकत नहीं रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है या शरीर के जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो निरंतर योग का अभ्यास करना आपके लिए बहुत लाभदायक है। और अगर आप किसी प्रशिक्षित योग गुरु की निगरानी में अभ्यास करते हैं तो इससे आपके जो स्वास्थ्य लाभ हैं आपको बहुत मिलते हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स को ये क्लासेस ज्वाइन करने के बाद उनकी हेल्थ कंडीशन में गजब के चेंजेस देखने के लिए मिले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इन क्लासेस में हम क्या क्या सीखेंगे, तो हम हर दिन अलग अलग तरीके के आसन सीखेंगे, प्राणायाम सीखेंगे, ध्यान सीखेंगे, रिलैक्सेशन सीखेंगे, बॉडी की क्लींजिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हर दिन अलग अलग तरीके के अभ्यास किए जाते हैं। अगर आप किसी कारण से ये जूम क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाएंगे क्योंकि आपके पास वक्त कम रहता है, आप बहुत ट्रैवल करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप मेरे द्वारा कुछ रिकॉर्डेड जो सेशन हैं उनको परचेज कर सकते हैं और अपने घर के ही कंफर्ट जोन में या जहां भी आप अभ्यास करना चाहते हैं वीडियो को प्ले कीजिए और अपने अभ्यास की शुरुआत कर दीजिए। इन रिकॉर्डेड कोर्स में भी आप पूरे आसन, प्राणायाम और ध्यान को सीक्वेंस में प्रैक्टिस करेंगे, 1 घंटे की वीडियोस होंगी और वीडियो को परचेज करने के बाद ना आपको तुरंत एक्सेस मिल जाता है, तो
आप आराम से अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको इन कोर्स और क्लास के बारे में और जानकारी चाहिए तो मेरी वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिएगा, जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर जो ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप एक व्हाट्सएप कर देते हैं तो आपको सारी की सारी जानकारी तत्काल भेज दी जाएगी। तो अभी तो ये वीडियो देख लीजिए और उसके बाद जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। इस अभ्यास को करने के बाद आप क्या करेंगे कि अपने घुटने के बल खड़े हो जाएंगे और अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन से वज्रासन का। तो ऐसे दोनों घुटनों के बीच में अपने कमर जितना फासला कीजिएगा, ऐसे वज्रासन में बैठे रहिएगा। वज्रासन भी आपके पैरों की जो मांसपेशियां इसको मजबूत करता है, और इस अभ्यास में आपकी वज्र नाड़ी जो है उस पर दबाव पड़ता है। तो आपके वज्र नाड़ी जो है आपकी, अब वज्रासन में ऐसे बैठे हुए आप दोनों हाथों को कमर पर रखें, ऐसे आर्च करें, सांस लें और सांस को छोड़ दें, सांस लें और सांस को छोड़ दें। तो वज्रासन से उष्ट्रासन का अभ्यास, इस अभ्यास को 10 बार कीजिएगा। सांस छोड़ दिया, सांस लिया, गर्दन को पूरी ढीली छोड़ें और सांस को छोड़ दें, सांस लें और सांस को छोड़ दें, सांस लें और सांस को छोड़ दें। लास्ट 5, लास्ट 4, लास्ट 3, लास्ट 2 एंड लास्ट 1। ऐसे अगर दोनों पैर की एड़िया ना पकड़ में आए तो फिर हाफ पकड़िए, ऐसे ऐसे, और फिर उसके बाद रिलीज कर दीजिए। अपनी एड़ी पर बैठिए और अपने दोनों हाथों को ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करें और अपने दोनों घुटनों के बीच में फासला रखें, से ज़्यादा फासला, जिससे कि पूरी हिप जॉइंट जो है ये ओपन हो। और फिर उसके बाद अपने हेड को ड्रॉप कर दें ऐसा, और ब्रीद करें, ब्रीद करें, ब्रीद करें, ब्रीद करें, जितनी देर हो सके उतनी देर यहाँ पर शशांक आसन में आप होल्ड करें, रुकें, जिससे कि आपका ब्लड फ्लो हेड रीजन की तरफ आए और आपका माइंड और नर्वस सिस्टम शांत और काम डाउन हो ऐसा। फिर उसके बाद अब मैं जो आपको अगला आसन का अभ्यास बता रही हूँ, ये अगर आपने निरंतर करना शुरू कर दिया ना, तो इससे आपके पूरे के पूरे लोअर बॉडी पर, पूरे हिप जॉइंट्स पर बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। तो इस अभ्यास को करने के बाद पैरों को बाहर स्ट्रेच करें, लूजन करें, ऐसे पैरों को ढीला छोड़ें, और फिर अब अभ्यास करेंगे मंडूकासन का, फ्रॉग पोज का। तो इस अभ्यास को करने के लिए आप अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें ऐसा। घुटनों से मोड़ने के बाद आप क्या करें, दोनों घुटनों को एक दूसरे से अलग करें ऐसा ऐसा, और दोनों हाथों को ऐसे मैट पर रख दें इस तरीके से ऐसा ऐसा, अलग करें, अलग करें, अलग करें, ऐसे अलग करें और बाहर जाने दें ऐसा, इस तरीके से। और फिर उसके बाद, चूंकि आपने हाथ तो रखा ही हुआ है, अब पैरों को भी ऐसे बाहर की तरफ, जैसे मेंढक के पैर होते हैं ना, उस तरीके से ऐसा, इस तरीके से। अब सांस लें और सांस को छोड़ें, सांस लें और सांस को छोड़ें, सांस लें और सांस को छोड़ें। तो इस अभ्यास से गजब की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी आएगी ऐसा। पैरों को अलग करें ऐसा। अगर घुटनों में दर्द है तो फिर अभ्यास में थोड़ा सा घुटनों के नीचे आप कुशन रख लें, या कि फिर इसका अभ्यास ना ही करें। अगर आप एल्बो ड्रॉप कर सकते हैं तो एल्बो ड्रॉप करके ऐसा ऐसा, तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी अच्छी बढ़ेगी आपकी, बड़ी अच्छी क्रिएट होगी ऐसा। तो इस अभ्यास को कितनी बार, कितनी देर तक करना है, कम से कम 30 सेकेंड से 1 मिनट तक इसका अभ्यास जारी रखना है ऐसा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1। जब इतना अभ्यास हो जाए तो फिर अपने पैरों को हग कर लें ऐसा। बड़ा आप महसूस करेंगे कि आपकी पूरी की पूरी ये जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं, कैसे आप एक्टिवेट कर पा रहे हैं इन सारे अभ्यासों से।
अब अगला अभ्यास करेंगे जिसपे कि हम सामने की तरफ झुकेंगे। तो अपने दोनों पैरों को इस तरीके से ऐसे स्ट्रेच कर लेंगे बाहर की तरफ, पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास। सांस लेंगे, दोनों हाथों को छत की तरफ खींचेंगे, थोड़ा सा पीछे झुक जाएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे 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 इस तरीके से अगर अपने टो को पकड़ लें तो अच्छी बात है, अगर पकड़ ना पाए तो हाथ जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक रखें और ऐसे अपने पेट पर जो दबाव आ रहा है, आपकी लोअर एब्डोमेन पर जो दबाव आ रहा है इसको महसूस करें ऐसा। फिर सांस लें, तीन बार इसका अभ्यास करें और जितनी बार भी आप सांस को रोक सकते हैं जितनी देर तक उतना रोकें, सांस लें और सांस छोड़ें। 5 4 3 2 1। अगर हो सकता है कि आप इतना आगे ना झुक पाए तो सांस लें और सांस छोड़ते हुए ऐसे पश्चिम उत्तानासन, यानी पश्चिम मींस पीछे, उत्तान मींस खींचा हुआ, तो पीछे की सारी मांसपेशियां खींचेंगी और आगे पेट पर बहुत अच्छा दबाव पड़ रहा है आपके, होल्ड करें ऐसा, जहां तक आप आगे झुक सकते हैं वहां तक होल्ड करें ऐसा। 3 2 1। तो जब पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास हो जाए तो फिर आप कर सकते हैं वक्रासन का अभ्यास या अर्ध मत्स्येन्द्रासन का अभ्यास। एक पैर को ऐसे मोड़ा, राइट पैर को, राइट हाथ को बॉडी के पीछे रख लिया, शोल्डर को रोल बैक किया और ऐसे अंदर की तरफ पुल कर रहे हैं अपने घुटने को ऐसा, और पीछे देख रहे हैं, छाती को पूरा खोल के रखिएगा ऐसा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जब एक साइड ये अभ्यास हो जाए तो इसी अभ्यास को आपको दूसरी तरफ रिपीट करना है। कभी भी ऐसा ना कीजिएगा कि एक साइड तो अभ्यास कर लिया और दूसरी साइड अभ्यास नहीं कर रहे, ऐसा पीछे देख रहे, देखते रहें, नॉर्मल ब्रीदिंग करें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसा। और अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपको और अलाउ करे तो आप ऐसे लेफ्ट घुटने को मोड़ लें और फिर उसके बाद अभ्यास करें अर्ध मत्स्येन्द्रासन का। सांस लिया, थोड़ा पीछे की तरफ झुके और अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं पैर को पकड़ लें ऐसे इस तरीके से और लुक बैक ऐसा। 10 नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जब एक साइड ये अभ्यास हो जाए तो फिर इसी अभ्यास को दूसरी तरफ करें। अपनी लेफ्ट एड़ी को राइट हिप के नीचे रखा, राइट पैर को लेफ्ट घुटने के पास रखा, हाथ को पीछे लेके गए, सांस लिया और सांस को छोड़ते हुए ट्विस्ट किया एंड होल्ड करें ऐसा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलीज कर दें और रिलीज करने के बाद अपनी योगा मैट पर लेट जाएं। आगे हम लेट कर किए जाने वाले आसन का अभ्यास करेंगे। ऐसे लेट जाएं, रेस्ट करें। अब अगला अभ्यास करेंगे हम विपरीत करणी का, ठीक है। विपरीत करणी का अभ्यास करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक तकिया ले लें या बॉलस्टर ले लें। तो मेरे पास यहाँ पर ये तकिया है, इसको मैंने रखा ऐसे कमर के नीचे इस तरीके से और फिर उसके बाद दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर दिया और दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखा। अब आप क्या करें कि आप अपने ध्यान को अपने एनल रीजन पर लेके जाएं और जैसे एक घोड़ा मल को त्याग करने के बाद एनल रीजन को कैसे अंदर और बाहर खींचता है अपने स्टूल को पास करने के बाद, उसी तरीके से अपने ध्यान को अपने एनल रीजन पर लेके जाएं और अंदर की तरफ ऐसे एनल रीजन को खींचें और फिर रिलीज करें। एनल रीजन को खींचें और फिर रिलीज करें। एनल रीजन को खींचें और फिर रिलीज करें। तो यह अभ्यास 15 से 20 बार ऐसे कर लें और इस आसन को कम से कम 2 से 3 मिनट तक ऐसे होल्ड करके रखें ऐसा। खींचें तो कुछ देर अंदर रोकें और फिर रिलीज कर दें। अंदर की तरफ खींचें फिर रिलीज कर दें। अंदर की तरफ खींचें और फिर रिलीज कर दें। तो एनल रीजन पर अपना ध्यान रखें। और अगर आप इस पोस्चर को ज़्यादा देर तक होल्ड करना चाहते हैं तो अपने दोनों
पैरों को ऐसे दीवार से लगा दे, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ पुल करें, एनल रीजन को रिलीज करें, पुल करें, रिलीज करें, पुल करें, फिर रिलीज कर दें। और फिर उसके बाद जब 15 से 20 बार अभ्यास हो जाए तो फिर रेस्ट करें, ऐसा ऐसा। इस अभ्यास को करने के बाद अपनी पिलो को हटा दें, और पिलो को हटाने के बाद अपने पैरों को ऐसे हग कर लें और होल्ड करें कुछ देर यहीं पर। पवन मुक्त आसन, इससे पैरों को जो टेंशन हुई होगी वो रिलीज हो जाएगी और पैरों को बहुत आराम मिलेगा आपके। फिर उसके बाद हम अभ्यास करेंगे सेतु बंध आसन का। दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखें और फिर उसके बाद दोनों पैर के घुटनों के बीच में आपने कंधे जितना फासला रखा है जोड़ के नहीं रखा है, ऐसे अलग करके रखें। फिर हम क्या करेंगे, अपने कमर को उठाएंगे, लिफ्ट करेंगे, और इसमें भी हम अश्विनी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। इस तरीके से ऐसे लिफ्ट करें, अंदर की तरफ पुल करें और फिर रिलीज कर दें। ऊपर की तरफ उठाएं, लिफ्ट करें हिप को, अंदर की तरफ पुल करें और फिर रिलीज कर दें। धीरे से सांस लें, रोके सांस को, ऊपर अंदर की तरफ खींचें और फिर रिलीज कर दें, सांस को छोड़ दें ऐसे। तो इससे लोअर बैक भी स्ट्रेंथन होगी और पूरे जेनाइटल पर कितना अच्छा आपके इफेक्ट आ रहा है। और रिलीज कर दें, फिर से ऊपर उठाएं, पुल करें और फिर रिलीज कर दें। तो इसका अभ्यास कम से कम 30 सेकंड कर ले लगातार, और अश्विनी मुद्रा के साथ अभ्यास कर सकते हैं या बिना अश्विनी मुद्रा का अभ्यास किए हुए। अब क्या करें, अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे जोड़ लें, सुप्त बद्ध कोणासन इस तरीके से, और दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखें और कम से कम 15 से 20 बार ऐसे लेटे हुए दोनों घुटनों को जोड़ें, खोलें, जोड़ें, खोलें, जोड़ें, खोलें। तो ये हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स को ट्रेन करने के लिए और वहाँ पर ब्लड फ्लो इम्प्रूव करने के लिए ये कुछ इफेक्टिव अभ्यास हैं इस तरीके से, ऐसा ऐसा। और जब अभ्यास हो जाए 15 से 20 बार तो दोनों घुटनों के ऊपर अपने दोनों हाथों को ऐसे रखें और फिर उसके बाद अपने दोनों घुटनों को खोल के रखें। कम से कम 2 से 3 मिनट ऐसे लेटे रहें, फिर उसके बाद पैरों को जोड़ें और फिर पैरों को हग कर लें ऐसे, इससे पैरों को आराम मिलेगा। फिर कम से कम 10 मिनट तक शवासन में लेटे रहें ऐसे। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो में बताए गए सारे अभ्यास आपने अच्छी तरीके से देखे होंगे। कोशिश कीजिए कि जिस सीक्वेंस में मैंने ये सारे अभ्यास बताए हैं आप उसी सीक्वेंस में ये सारे अभ्यास कीजिए, क्योंकि हर एक आसन एक दूसरे से लिंक्ड है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर कि आप सभी ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया है। क्या कहा, सब्सक्राइब नहीं किया? तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। आप चाहते हैं अगर स्वास्थ्य लाभ आपको मिले तो निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए, और कोशिश करें अगर योग का अभ्यास करें तो किसी प्रशिक्षित योग गुरु की निगरानी में योग का अभ्यास करें, इससे आपको ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे। वो आपको बता पाएंगे कौन से आसनों का अभ्यास करना है और कौन से आसनों का अभ्यास आपको नहीं करना है, आपकी एज, आपकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से। नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। नमस्ते।